हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना वायरस का आउटब्रेक इतना ज़्यादा हो गया इंडिया में, प्लस अभी लॉकडाउन चल रहा है, एक महीने से तो कम से कम लॉकडाउन ही चल रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि गाइज ये लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाए। तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी कार, आपका बाइक या आपका स्कूटर, कोई भी चीज़ हो, आप कैसे उसको सैनिटाइज़ कर सकते हो, डिसइनफेक्ट कर सकते हो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो एसेंशियल वर्क करते हैं, जैसे कि कोई कोई लोग डोनेशन करते हैं या फिर बाहर जाते हैं या फिर कोई कोई लोग पुलिस में होंगे। फिर ये सब चक्कर में कोरोना वायरस के हम लोग खुद को तो सैनिटाइज़ कर लेते, बट अपनी गाड़ियों को कौन सैनिटाइज करेगा। ऐसे कि रिसर्च से पता चला है कि एक एवरेज स्टेयरिंग व्हील या फिर कोई भी गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील ले लो, उसमें कम से कम 629 CFU रहते हैं। CFU मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स ऑफ बैक्टीरिया। 629 CFU रहते हैं हमारे स्टेयरिंग व्हील में, जो कि 3 गुना ज़्यादा है हमारे टॉयलेट सीट से भी। टॉयलेट सीट्स में तो कम CFU रहते हैं, 172 रहते हैं। हो सकते हो पब्लिक टॉयलेट में इतने कम CFU और आपके स्टेयरिंग व्हील में इतना ज़्यादा बैक्टीरिया है, तो वो सब चीज़ों को आपको सैनिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीनों जो टर्म्स है वो डिफरेंट है गाइस। क्लीनिंग एक अलग चीज़ हो जाती है, सैनिटाइजिंग एक अलग चीज़ हो जाती है, और डिसइनफेक्टिंग एक अलग चीज़ हो जाती है। क्लीनिंग में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जो डर्ट रहता है, डस्ट रहता है, वो सब रिमूव करते हैं, और उसके बाद सैनिटाइजिंग में जो है वो जर्म्स जो है वो कम हो जाते हैं। जर्म्स किल नहीं होते, मोस्ट ऑफ द जर्म्स किल नहीं होते, बट डिसइनफेक्टिंग क्या होता है, जर्म्स है, बैक्टीरिया है, फंगाई है, वो सब डिसइनफेक्टेंट से क्लीन हो जाते हैं। तो आपको ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कहाँ पे सैनिटाइजर यूज़ करना है, कहाँ पे डिसइनफेक्टेंट यूज़ करना है, और आपके गाड़ी को क्लीन आपको कैसे करना है। तो आज हमारी हम लोग सिविक पे कंप्लीट क्लीनिंग करने वाले हैं। आपको कंप्लीटली इंटीरियर क्लीनिंग मिलेगा, जैसे कि इंटीरियर क्लीनिंग हम लोग ने जेन में किया था, बट उसमें सिर्फ क्लीनिंग किया था, सैनिटाइज भी नहीं किया था और डिसइनफेक्टिंग भी नहीं किया था। तो ये वीडियो में आपको डिसइनफेक्टिंग और सैनिटाइजिंग देखने मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन से ऑर्डर में आपको क्लीन करना है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा गाड़ी को डिसइनफेक्ट करना है। तो सबसे गंदा चीज़ जो है हमारी गाड़ी में वो स्टीयरिंग व्हील, उसके बाद हमारा जो बॉटल होल्डर्स रहता है, कप होल्डर्स रहता है, वो सबसे गंदा चीज़ है। थर्ड पे रैंक करता है हमारा सीट बेल्ट, उसके बाद 4 नंबर पे हमारे जो डोर हैंडल्स है, जो डोर हम लोग जिससे खोलते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया रहता है। तो पहली तो कोई भी कार हम लोग सैनिटाइज नहीं करते, डिसइनफेक्ट नहीं करते, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है। कोरोना वायरस के आउटब्रेक के बाद हम लोग को ज़्यादा केयर लेने की ज़रूरत है। ये वीडियो को जितना हो सके आपके दोस्तों में शेयर करो, जिसके पास कार है, बाइक है, स्कूटर्स है, सैनिटाइज ज़रूर कीजिए आपके कार्स और स्कूटर्स को, सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर आप बाहर जाते हो अपनी कार लेके और आपका कार ही मतलब इन्फेक्शन से भरा हुआ है, इन्फेक्शन आप सभी को स्प्रेड कर रहे हो, और ऐसा नहीं होता है कि कार हम लोग ग्लव्स पहन के चलाते हैं या मास्क पहन के चलाते हैं, कार तो नॉर्मली कोई भी मास्क निकाल के चलाता है, क्योंकि अंदर अपना एक पर्सनल स्पेस रहता है। सबसे पहले आपको 2 रबर ग्लव्स लेना है, तो ये नॉर्मल मेडिकल में आपको मिल जाएगा, और एक मास्क ले लेना है। सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि आप लोगों को कारपेट्स निकालना है। अगर आपके गाड़ी में कारपेट्स है तो उसको पहले निकाल दीजिए। तो क्या जैसे कि आप देख रहे हो मेरे गाड़ी में कारपेट्स है, सभी डोर से आप कारपेट निकाल दो। और घर पे आपको कैसे वॉश करना है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। इन्फेक्टेंट है जो आपको ले लेना है एक ढक्कन और पानी में डाल देना है, मिक्स कर दीजिए। मिक्स होने के बाद गाइस कोई भी आप ले लीजिए और इस पे डाल दीजिए, और एक ब्रश लीजिए और जिसके मदद से आप अच्छी तरीके से इसको वॉश कर पाए। पेट निकालने के बाद सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि क्लीनिंग का। सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल साइज का ब्रश ले लेंगे, ब्रश की मदद से जो है यहाँ से आप देख सकते हो डस्ट जो है ये सब निकाल देंगे। तो ये नॉर्मल जो डस्ट सब जो है वो जगह पे इकट्ठा कर देंगे और उसको वैक्यूम से निकाल देंगे। तो नॉर्मली ब्रश कर देंगे, जो ऊपर ऊपर के मतलब जो भी डर्ट डस्ट रहेंगे वो सब निकल जाएंगे डायरेक्टली। सेम प्रोसीजर आपको आगे के सीट्स पे भी करना है, पीछे के सीट्स में मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि मेरे को भी इजी पड़े दिखाने के लिए आपको। जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारा वैक्यूम क्लीनर है, ये सिगरेट लाइटर पोर्ट जो रहता है हमारा 12 वोल्ट का, तो इसमें इसको डालना है और ये जस्ट स्टार्ट कर देना है। तो उसके पहले हम लोग ने गाड़ी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये ज़्यादा पावर खींचता है बैटरी से, तो गाड़ी को स्टार्ट रखिए तो ज़्यादा ये बेटर परफॉर्म करेगा। हम लोग को सीट पे वैक्यूमिंग करना है, के बीच बीच में थोड़े थोड़े गंदगी रहते हैं वो सारी चीज़ को अपन हमें निकालना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे सीट में गंदगी रहती है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है, जस्ट एक गिल्ला क्लॉथ लेना है, पूरा मैंने पूरे कारपेट का पूरा समेट के रखा हुआ है कचरा, आपको जस्ट क्लीन क्लॉथ लेना है, उस पर ऐसा रख के ये पूरा निकाल देना है, बस दैट्स इट। एज्लो का कारपेट और अपहोल्स्ट्री क्लीनर है, ये आप कोई भी कारपेट क्लीनर ले सकते हो या फिर कोई भी आपके पास सोप रहेगा, कुछ भी रहेगा वो ले लो क्लीन करने के लिए, कुछ इशू नहीं है। जस्ट एक नॉर्मल बेस ले लो, ऐसा मत लो कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल हो, जैसे कि हमारा ब्लीच हो गया, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना आपको कार्स में, या फिर आप कोई भी नॉर्मल सोप यूज़ कर सकते हो। कॉन्सेंट्रेट है ये मैं आधे बकेट पानी में डाल रहा हूँ, तो आपको ये मिलेगा नहीं कहाँ पर, तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रोडक्ट डैजलो का, ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, और ये कॉन्सेंट्रेट है, कम से कम ये 40-50 लीटर आराम से बना देता है, बट मैं ये कॉन्सेंट्रेट में थोड़ा ज़्यादा डालता हूँ। पेट को अच्छी तरीके से क्लीन कर देगा, और आप ये डैश के थोड़े मटेरियल्स में भी यूज़ कर सकते हो,
कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देता वहाँ पे। तो सेम प्रोसीजर चारों सीट्स में आपको करना है। के बाद गाइस आपको क्या करना है, एक नॉर्मल सा क्लॉथ लीजिए, वेट क्लॉथ लीजिए, और वेट क्लॉथ से जो भी हम लोग ने जहाँ जहाँ लगाया हुआ है उसको क्लीन कर दीजिए। एंड दैट्स इट, ये क्लीन हो जाएगा कम्प्लीटली। आप देख सकते हो डैशबोर्ड कम्प्लीटली क्लीन कर देंगे। ऐसा कुछ काइंड का ब्रश है मेरे पास जो जिससे डैशबोर्ड क्लीन कर सकते हैं हम लोग, क्लीनर, और पूरा डैशबोर्ड पे लगा देंगे। मेक श्योर कहीं इलेक्ट्रिकल्स पे आप नहीं लगा दें ये सब चीज़ें। एसी वेंट्स आपको ऐसे क्लीन करना है, एसी वेंट्स ज़रूर क्लीन कीजिएगा क्योंकि एसी वेंट्स ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारा बैक्टीरिया रहता है, फंगाई रहता है। सो गाइस जैसे डैशबोर्ड को आप कम्प्लीटली क्लीन कर सकते हो। यहाँ का पार्ट जो है यहाँ भी क्लीन कर दीजिए। गियर नॉब जो है, गियर नॉब इस पर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया लगता है तो इसको भी आपको क्लीन करना है। कप होल्डर्स है मेरे यहाँ पे, कप होल्डर्स तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसे कुछ कप होल्डर्स है मेरे। मैं कुछ खाने का सामान रखता तो नहीं हूँ बट तो भी यहाँ पे गंदगी आ सकती है। जैसे ही ये सब आप क्लीन कर लेते हो थोड़ा टाइम इसको सूखने दीजिए, थोड़ा टाइम इसको रखिए, उसके बाद डायरेक्ट आप एक क्लीन क्लॉथ लीजिए, गीला कपड़ा, उसको अच्छी तरीके से पोंछ डालिए। इसे सीट बेल्ट लेना है और यहाँ पे ऐसे कम्प्लीटली इसको वॉश करना है, चारों सीट बेल्ट आपको करना है क्लीन। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो एकदम क्लीन कर दिया हम लोग ने, एकदम डैम क्लीन कर दिया है। आप देख सकते हो एकदम नए जैसे लग रहे हैं एकदम, और पीछे भी आप देख सकते हो। पीछे का मैंने इसलिए ज़्यादा दिखा आपको क्योंकि आगे थोड़ा स्पेस कम रहता है, और डैशबोर्ड भी आप देख सकते हो एकदम क्लीन हो गया। तो यहाँ पे डोर हैंडल, तो ये डोर हैंडल भी हम लोग बहुत बार टच करते हैं तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से क्लीन करना है। चारों डोर हैंडल्स को आप अच्छी तरीके से क्लीन कर दीजिए। हमारे मिरर्स है उसको भी आपको क्लीन कर देना है। देख सकते हो ये बूट, यहाँ पे भी हम लोग बहुत हाथ लगाते हैं तो यहाँ पे भी आपको अंदर से क्लीन कर देना, और थोड़ा ऊपर से भी क्लीन कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप देख सकते हो सबसे पहला सोल्यूशन मेरे पास है, यहाँ पे लिखा हुआ डिसइंफेक्टेंट लिक्विड लाइम फ्रेश। इसमें लाइम का फ्लेवर है, डेटॉल का है। डेटॉल का और एक जो चीज आता है एक ब्राउन कलर का रहता है, आप लोगों ने देखा रहेगा, वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट लिक्विड है वो, और ये सिर्फ डिसइंफेक्टेंट लिक्विड है। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है गाइस, अगर आपको किधर लग गया तो आप यूज कर सकते हो, बट ये जो चीज है ये आप यूज नहीं कर सकते। डिसइंफेक्टेंट लिक्विड है तो ये हम लोग साइड में रख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज मैं लाया हूँ वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा ये यूज करने के लिए। आप देख सकते हो लिखा हुआ है स्टेरिविल प्रो, सैनिटाइजर भी है और इन्फेक्टेंट भी है। अगर आप सर्जरी कर रहे हो कुछ तो ये भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए सर्जरिकल के लिए भी और नॉर्मली डायरेक्ट यूज के लिए भी लिखा हुआ है। तो ये सैनिटाइजर आपको 50 रुपीस का मिल जाएगा कोई भी मेडिकल से। सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट में यही फर्क होता है गाइस कि सैनिटाइजर जो है अल्कोहल वाला वो फूड के टाइम पे यूज करते हैं और वो कम जर्म्स को किल करता है, लेकिन डिसइंफेक्टेंट जो है वो ज्यादा जर्म्स को किल करता है। सैनिटाइजर हम लोग ये टर्म तभी यूज करते हैं जब भी फूड से रिलेटेड हो या फिर हम लोग के हैंड से रिलेटेड हो, तो सैनिटाइजर हम लोग यूज कर लेते हैं। घर के वॉल्स, घर के बर्तन या फिर कपड़ों में डालना रहेगा लिक्विड तो उसको हम लोग डिसइंफेक्टेंट बोलेंगे। तो हम लोग की गाड़ी को हम लोग जो कंप्लीट है ना डिसइंफेक्ट करने वाले, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो और आपका डिसइंफेक्टेंट का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो एक नॉर्मल स्प्रे बॉटल लिया है मैंने, आप कोई भी स्प्रे बॉटल देख सकते हो। इसमें आधा आपको पानी भरना है और इसको ओपन करके इसमें थोड़ा सा डिसइंफेक्टेंट लिक्विड भरना है आपको, और ये आपको कहीं ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं क्योंकि ये डिसइंफेक्टेंट है, ये पूरा कॉन्सेंट्रेट रहता है। सबसे पहले आपको ये स्टेयरिंग व्हील जो है इसको डिसइंफेक्ट करने वाले हम लोग, फिर उसके बाद डैशबोर्ड को हमारे, उसके बाद हमारा हैंड ब्रेक जो है उसको के लिए यूज़ करते हैं तो इसको डिसइंफेक्ट करने वाले। तो ऐसे चारों जगह पे कर दीजिए गाइस, मैं एक ही जगह का आपको शो कर रहा हूँ, आप चारों ऐसे डोर हैंडल्स पे कीजिए। तो एक गाइस ये बटन्स आप देख सकते हो, ये बटन्स भी हम लोग बहुत टाइम टच करते हैं तो ये बटन्स को भी आप डिसइंफेक्ट कर दीजिए। डोर हैंडल है उसको भी अच्छी तरीके से आपको डिसइंफेक्ट करना है, बाहर से भी आपको कर देना है और अंदर से भी आपको कर देना है। तो कभी कभी मिरर को भी छू लेते हैं तो मिरर को भी आप अच्छी तरीके से डिसइंफेक्ट कर दो, दोनों मिरर्स को आप कर दीजिए अच्छी तरीके से। हाँ सर, आप पेट्रोल या डीजल भरते हो तो उस जगह पे को भी आपको डिसइंफेक्ट कर देना है क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ये चीज़ को टच करते रहते हैं, तो अच्छी तरीके से इसको डिसइंफेक्ट कर दीजिए। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से टिश्यू से पोंछ दीजिए। इसके नीचे मैंने बताया था जैसे कि ट्रंक के नीचे, तो यहाँ पे हम लोग हाथ बहुत रख देते हैं, जब हम लोग ट्रंक ऐसा खोलते हैं तो हाथ बहुत रख देते हैं, तो ये जगह और ये नीचे का पार्ट जो है इसको भी डिसइंफेक्ट कर दीजिए। नॉर्मल सा टिश्यू लेना है आपको जस्ट, और इसको वाइप कर देना है, कम से कम 5 से 6 मिनट आपको इसको रखना है और इसको अच्छी तरीके से वाइप कर देना है।
का मदद मैं इसीलिए ले रहा हूँ ताकि कोई कपड़े के वजह से वापस से इसमें जो है जर्म्स एंटर ना करे। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हम लोग का की जो है, की सबसे ज़्यादा हाथों में पड़ता है लोगों के, घर के लोगों पे, किसी के भी, तो इसको भी आपको सैनिटाइज कर देना है। तो हम लोग सैनिटाइजर का यूज़ कर रहे हैं, जो नॉर्मल सा सैनिटाइजर आता है तो वो सैनिटाइजर का यूज़ करो। डिसइंफेक्टेंट भी स्प्रे कर सकते हो, बट मैं जस्ट सैनिटाइजर अभी पड़ा है तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको अच्छी तरीके से सैनिटाइज कर दो। तो आप देख सकते हो ये की भी एकदम प्रॉपरली साफ़ हो चुका है। तो एसी फिल्टर ख़राब हो चुका है तो उसको भी क्लीन करवाइए। आपको नहीं मिल रहा तो उसको साफ़ करके आप किधर भी रख सकते हो। आपको आपका ग्लव्स ऐसे निकालना है, एक ग्लव्स डायरेक्ट निकाल दीजिए और इसको साइड में रख दीजिए, दूसरा ग्लव्स ऐसे उंगली डाल के निकाल देना है और उसके बाद आप अपना हैंड सैनिटाइज कर लीजिए अच्छी तरीके से, ऐसे निकाल के डायरेक्ट वॉश कर देना है। आज के इस वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू वॉच इट आउट टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।